हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे पास फायरवॉल टाक प्रो रिपेयर के लिए आई है। तो सबसे पहले हम इसके पैनल को खोल लेंगे, पीछे के हिस्से को खोल लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या समस्या है। हमने पैनल को खोल लिया है और इसमें से बैटरी को अलग कर लेंगे। बैटरी को अलग करने के बाद इस पे हम वोल्टेज की चेक करेंगे कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो हमने वोल्टेज को चेक किया, इसमें से वोल्टेज नहीं आ रहा था। इसमें से नो वोल्टेज, एक भी वोल्टेज नहीं आ रहा था। तो हम इसमें से जल्दी जल्दी से टेप हटा लेते हैं बैटरी के से, ताकि हम डायरेक्ट बैटरी को चेक कर सकें कि डायरेक्ट बैटरी पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने टेप को हटा लिया। उसके बाद हमने डायरेक्ट बैटरी पे जब वोल्टेज चेक किए तो हमें 2.9 वोल्टेज मिल रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि जो बैटरी है वो सही है। बैटरी में लगा हुआ जो किट है वो किट ही खराब। तो हमने बैटरी के किट पे लगा हुआ कॉइल को शॉर्ट करके देखा, तब भी वोल्टेज नहीं बन रहा था माइनस वाले वायर पे। तो हमने फिर से एक बार ट्राई किया कॉइल को शॉर्ट करने की, लेकिन नहीं काम हुआ। तो हम माइनस वाले वायर को हटा देते हैं किट से और डायरेक्ट बैटरी के कनेक्टर से कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी के लेग से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि हमें वोल्टेज मिलने प्रॉपर मिलने लगे। हमने चेक किया था तो हमारे प्लस वाले पे वोल्टेज मिल रहा था, माइनस वाले पे वोल्टेज नहीं मिल रहा था। तो हमने माइनस वाले वायर को वहाँ से हटाकर डायरेक्ट बैटरी के लेग पे कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि हमें वोल्टेज मिलने लगे। और हम करते हैं इसको कनेक्ट, देखते हैं कि वोल्टेज मिलता है कि नहीं मिलता है। तो हमने इस पे से कनेक्ट कर दिया और हम इसमें कनेक्ट करने के बाद वोल्टेज चेक करेंगे और देखेंगे कि वोल्टेज कितना हो रहा, मिल रहा है। तो हमने चेक किया और हमें 2.9 वोल्टेज मिला। तो हम डीसी से कनेक्ट करके इसको थोड़ा बूस्ट कर देंगे वोल्टेज, ताकि जिससे कि हमारी वॉच जो है ऑन हो जाए और वोल्टेज प्रॉपर मिले। और फिर हमने वॉच में कनेक्ट किया कि बैटरी को कनेक्ट करने के बाद रेड कलर की लाइट जल गई, जिससे कि हमें पता चल गया कि हमारी वॉच ऑन हो गई है। तो जल्दी जल्दी से हम बैटरी को इसमें फिट कर लेते हैं। वॉच में फिट करने के बाद हमें टेस्ट भी करना है कि डिस्प्ले पे लाइट आ रही है कि नहीं आ रही। फिर हमने डिस्प्ले और टच के कनेक्टर को कनेक्ट करेंगे। इससे पहले हम स्ट्रिप को हटा लेंगे, जिससे कि थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो हम टच और डिस्प्ले के कनेक्टर को कनेक्ट करके देखते हैं कि ऑन होगी। वैसे हमारी फ़ोन स्मार्ट वॉच ऑन हो गई और नमस्कार कर रहे हैं कोहली जी। फिर हम प्रॉपर तरीके से फिटिंग देख ले रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, फिटिंग करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और टच वच चला कर चेक कर लेंगे कि सब प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमने चेक किया और ब्राइटनेस को भी हम देख लेंगे कि ब्राइटनेस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कम ज़्यादा हो रहा था। फिर हमने इसमें से ग्लू जो पुराना लगा था उसको हटा लेंगे, ताकि हम फिर से ग्लू लगा सकें। और हम जल्दी जल्दी से ग्लू लगा लेते हैं। ग्लू लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि वॉच फिर से वाटर प्रूफ बन सके और कोई दिक्कत ना हो। और हम इसके बाद एलसीडी और टच का कनेक्टर लगाकर इसको पैक कर देते हैं अच्छे तरीके से। पैक करने के बाद भी हम इसको अच्छे से दबा लेंगे ताकि चारों तरफ से ग्लू चिपक जाए। उसको थोड़ा साफ़ करने के बाद इसमें हम स्क्रू कसेंगे और जल्दी जल्दी से हम सभी स्क्रू को कस लेंगे। और कसने के बाद हम चेक करेंगे वॉच को कि प्रॉपर वर्क कर रही है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और स्ट्रिप लगा कर हम इसको फिर से एक बार चेक करेंगे। और हमने कस्टमर को दिया और हमारे कस्टमर काफ़ी खुश हो गए अपनी बनी हुई वॉच को देख।